बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जियालो, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के चाने वालो, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मोहतरम कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, या अली। नारे भुट्टो, ये भुट्टो। हम फिर गरी खुदा बख्श में तजदीद वफा करने आए हैं। हम उनसे ताकत लेने आए हैं। हमारे दिलों में गम है, हमारे आंखें पुरनम है, मगर हमारा हौसला बुलंद है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का सबक हमें याद है, जबर के मुकाबले में सबर का सबक, जुल्म के मुकाबले में जुर्रत का सबक, यजीदियत के मुकाबले में हुसैनियत का सबक, अवाम से मोहब्बत का सबक, अवाम की खिदमत का सबक, शहादत का सबक, सदाकत का सबक, तारीख का फैसला हुसैन के हक में है और रहेगा। तारीख का फैसला शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हक में है और रहेगा। खूने शहीदों को खराज अहले हक मिलता रहेगा, और हर दौर के यजीद रुस्वा रहेंगे। हम शहीदों के वारिस हैं, हम आईन के खालिक हैं, हम अवाम के आवाज है, हम कुर्बानियों के सफर के अमीन है। जो कोई बेवकूफ ये समझता है कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, वो करी खुदा बख्श का मजार को देखे। यहां के शहीदों को देखे, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को ही देखे, जो तख्तेदार पर चढ़ गया मगर अपने असूलों से नहीं हटे। शहीद
शाहनवाज भुट्टो को देखें, आमिर के खिलाफ जिद्दोजहद पर जहर का प्याला दिया गया। शहीद शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो को देखें, एक भुट्टो को निशाना बनाने के लिए एक भुट्टो को शहीद किया गया, एक बहन को निशाना बनाने के लिए एक भाई को शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को ही देखे, जिन्होंने पूरी जिंदगी अवाम के लिए वफ़क कर दी। यहां यहां मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो भी है, जिन्होंने अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। इन शहीदों से प्यार करने वालों को देखें, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आज भी जिंदा है, और उनसे टकराने वालों का नाम और निशान भी मिट गया है। जियाउल हक की कब्र वीरान है। मुशरफ मौत से बदतर बुजदली की जिंदगी गुजार रहा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का गम तो हर घड़ी हर रोज हमारे दिलों में है और रहेगा, मगर आज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। अगर आज वो हमारे दरमियान होती तो इन कठपुतलियों की औकात ही क्या कि वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मुकाबला कर सकते। आज उनकी क्यादत की, उनकी बहादुरी की, उनकी जहानत की हमें बहुत जरूरी है। जब उनकी क्यादत में पाकिस्तान की जमहूरी ताकतों ने जियाउल हक के खिलाफ MRD की तहरीक चलाई थी तो ऐवान इख्तदार के दरो दीवार कांप किए थे। जब मुशरफ को शिकस्त देने के लिए वो पाकिस्तान वापस आई थी तो वो जानती थी कि बुजदिल कातिल घात लगाए बैठा है, मगर वो भुट्टो की बेटी थी, वो आपकी बहन थी, उसको कब कोई डरा सकता था। वो दहशतगर्दों के लिए दहशत की अलामत थी, वो गरीब आवाम के लिए रोशनी की किरण थी, वो चारों सूबों की जंजीर थी, वो बेनजीर थी, वो बेनजीर है और वो बेनजीर रहेगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को आवाम से मोहब्बत का दर्ज विरासत में मिला था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनको आखिरी मुलाकात में कहा था कि जो कुछ भी हो अवाम का साथ कभी मत छोड़ना, मेरा मिशन जारी रखना। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं तुम्हें सितारों से देखूंगा। मैंने जिस सुबह के लिए तख्तेदार को चुमा है वो सुबह आएगी, जरूर आएगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने फांसी घाट से ये अलम थामा और लियाकत बाग की शहादत गाह में हमारे हाथ में थमा दिया। हमारे पास भी बस ये ही विरासत है, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो
हमें सितारों से देख रही है, और उन्होंने जिस सुबह के लिए शहादत कबूल की थी वो सुबह आएगी इंशाल्लाह। ये काफला रुकेगा नहीं। आज हमें इस मुकद्दस मिट्टी पर खड़े होकर दोबारा ये अहद करना है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है, उस आइन की हुक्मरानी कायम करने का वादा जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दिया। एक इस्लामी जमहूरी वफाकी आइन की हुक्मरानी जहां मुसावात हो, जहां गरीब किसान मेहनत कश मिल मजदूर के पास रोटी कपड़ा और मकान हो, जहां से नौजवान का मुस्तकबिल रोशन हो, उसके पास तालीम हो, रोजगार हो, जहां खवातीन बराबरी का हक मिले, जहां किसी के साथ मजहब के नाम पर जुल्म ना हो, जहां पाकिस्तान का दिफा ना काबले तश्कीर हो, जहां पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वो इज्जत और वकार वापस मिले जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की क़यादत में थी। एक ऐसा पाकिस्तान जहां अदल और इंसाफ हो, बर्दाश्त हो, बात करने की आजादी हो और बात सुनने का हौसला हो। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ हमेशा साजिशें हुईं, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि अवाम उनके साथ खड़ी है। आज पाकिस्तान की जमहूरी ताकतों की क़यादत करके शहीद मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो नहीं है, मगर उनके असूल है, उनका मिसाल है, और उन्हीं असूलों पर अमल करके हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। इनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज की वजह से करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। गरीब को कोई पूछने वाला नहीं। लोग दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, मजदूर मजदूरी को तरस रहा है, किसान फसल की कीमत को तरस रहा है, बच्चा दूध को तरस रहा है, दुकानदार खरीदार को तरस रहा है, नौजवान रोजगार को तरस रहा है, जमीन पानी को तरस रही है, मगर इन करप्ट और जालिम हुक्मरानों को किसी पर तरस नहीं आ रहा। इन अंधे और बहरे हुक्मरानों को ना कुछ नजर आ रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना इन्हें आपकी गुर्बत नजर आता है, ना इन्हें आपकी बेरोजगारी नजर आता है, ना इन्हें महंगाई का तूफान नजर आता है, ना इस कठपुतली को अवाम की चीखें सुनाई दे रही है। अवाम को रोटी दे नहीं सकता और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अवाम को रोजगार दे नहीं रहा और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लोगों से छत छीन रहा है और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, इसने किसी को नहीं छोड़ा, ना गरीब को छोड़ा है, ना ताजर को छोड़ा है, ना मजदूर को छोड़ा है, ना किसान को छोड़ा है, ना डॉक्टर्स को छोड़ा है, ना लेडी हेल्थ वर्कर्स को छोड़ा है,
ना टीचर्स को छोड़ा है, ना तलबा को छोड़ा है, मगर अब ये आवाम उसको नहीं छोड़ोगा, अब ये आवाम इस सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेंगे, अब इस मुल्क के बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से तंग आवाम इस कठपुतली जालिम सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेगी। इमरान ना आवाम का नुमाइंदा है, ना मुंतखिब वजीर आजम है, ये गासिब है, गासिब जिसने आवाम के तमाम हकूक गसब किए हैं। मैं ये कैसे मानूं कि मुल्क में जमहूरियत है, वो जमहूरियत जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आपके साथ मिलकर 30 साल जदोजहद की, जिस जमहूरियत और आईन की बहाली के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी जान दे दी, ये वो जमहूरियत नहीं है। मैं जमहूरियत नहीं मान सकता जहां बोलने की आजादी ना हो, जहां लिखने की आजादी ना हो, जहां तकरीर करने की आजादी ना हो, जहां जलसे करने की इजाजत ना हो, जहां पूरा मन एहतजाज करने की इजाजत ना हो। अगर कोई जलसा करे तो गिरफ्तारियां होते हैं, अगर टीचर्स एहतजाज करे तो लाठियां चले, अगर किसान एहतजाज करे तो गोली खाए। मैं इसको जमहूरियत नहीं मान सकता, ये तो आमरों जाबरों का वतीरा है। आप सब गवाह हैं कि हमने जमहूरियत की बहाली और आईन की पासदारी के लिए हर आमिर से टकराए, हर गासिब और जाबर से टकराए। ये कठपुतली किस खेत की मूली है? इसे ना जमहूरियत का इलम है, ना हुकूमत करने का ढंग है। अब ये मुल्क और ये आवाम इस सिलेक्टेड का बोझ नहीं उठा सकता। अब आवाम इस ना अहल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस बहुत हो चुका है, अगर इस हुकूमत को मजीद वक्त दिया गया तो खुदा ना खास्ता ये लोग मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। और हम ये नहीं होने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। ये सिलेक्टेड हुक्मरान भी जिया और मुशर्रफ की तरह तारीख की रद्दी की टोकरी में होंगे और इनका नाम लेवा कोई नहीं होगा। जो आवाम की ताकत से टकराता है वो पाश पाश हो जाता है, खाक हो जाता है। इन ना अहल ना लायक ना जायज वजीर आजम को लाने वाले तो लेकर आए हैं, मगर इसको अकल कैसे देते, इसको हौसला कैसे देते? बहादुरी और दानिशमंदी अगर बाजार में मिलती तो इमरान का किसी एटीएम इसको खरीद देता, मगर ये तो खुदा की इनायत होती है, ये तो अवाम की मोहब्बत अवाम के गम से आती है। इन करप्ट सिलेक्टेड हुक्मरानों सिर्फ अपने पेट भर रहे हैं, ये अवाम को क्या देंगे? LNG की चोरी, आटा चोरी, चीनी चोरी, दवाइयों की चोरी, गैस की चोरी, बिजली की चोरी,
चोरों के इस टोले का वक्त अब खत्म हो गया है। ये अवाम को भी सिर्फ धमकियां देते हैं, ये अवाम को भी सिर्फ धमकियां देते हैं। पिछले 2.5 साल में इस हुकूमत ने बैरूने मुल्क से, IMF से, पता नहीं कहां कहां से रिकॉर्ड कर्ज लिए हैं। पूरे पाकिस्तान की तारीख का कर्ज अगर आप इकट्ठा कर ले, वो एक तरफ है, और जो इमरान खान साहब ने 2.5 साल में कर्ज लिया है वो उससे भी ज्यादा है। उनको जवाब देना पड़ेगा ये कर्ज कहां गया है। अवाम का कोई फायदा नहीं हुआ, अवाम का इस पैसा का कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी इनके लिए बिजली महंगी है, गैस महंगी है, खाने पीने के अशिया महंगी है, दवाइयों महंगी है। जवाब इमरान को देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। ये अवाम जवाब लेकर रहेगी। अवाम खुदकुशी करने पर मजबूर है, दिन दहाड़े कत्ल किए जा रहे हैं, मगर इस नालायक को कोई फिक्र नहीं है। फिक्र उनको होती है जो अवाम का वोट लेकर आए हैं। गम उनको होता है जिनका अपना मिट्टी से ताल्लुक हो, मगर अब ये खिलवाड़ बंद होगा। सिलेक्टेड और सिलेक्शन का कारोबार बंद होगा, आप बंद करवाएंगे। जिसने हमारे बच्चों का मुंह से नवाला भी छीना है, मईशत तबाह हो चुकी है, सूबो को उनका हक नहीं दिया जा रहा है, ना पंजाब, ना पख्तूनख्वा, ना बलूचिस्तान, ना सिंध को NFC में उनका जायज हक दिया जा रहा है, मगर कठपुतली वजीरे आले इस पर बात तक नहीं कर रहा। सिर्फ आपका एक सिंध का वजीरे आला है, जो ना सिर्फ सिंध का हर मसला पे आवाज उठाता है, उनके हर फोरम पे आपके साथ होने वाले हर ज्यादती के मुखालफत करता है, मगर जो हमारा पख्तूनख्वा के अवाम के साथ ज्यादतियां हो रहे हैं, जो बलूचिस्तान के अवाम और पंजाब के अवाम के साथ ना इंसाफी हो रहा है, तो हमारा ही सिम का वजीरे आला है जो NFC के फोरम भी बैठता है, CCI के फोरम पे बैठता है, और आप सबका पाकिस्तान के अवाम का आवाज उठाता है। सिर्फ सिंधी है जो हर सतह पर एहतजाज कर रही है। सिंध के अवाम के साथ होने वाली ज्यादतियों पर आवाज उठ रही है। सिंध और बलूचिस्तान के जजीरों पर कब्जे किए जा रहे हैं, ये सिंध और बलूचिस्तान के साहिल है, ये वहां के अवाम के जजीरे हैं। हम किसी को आपका जजीरे पर कब्जा नहीं करने देंगे। मुल्क में सबसे ज्यादा गैस सिंध और बलूचिस्तान पैदा करते हैं, मगर कराची से लेके कश्मीर तक, घोटकी से लेके केती बंदर तक, सिब्बी से क्वेटा तक, क्वेटा से ग्वादर तक, यहां तक के सुई में भी गैस नहीं है। सुई के अवाम के लिए गैस नहीं है, जैसे आपके लिए गैस नहीं है। जिस सरजमीन से गैस निकलती है जिनको आईन का मुताबिक सबसे पहला हक है, उस अवाम के पास, वो अवाम गैस को तरस रहे हैं। शायद डॉक्टर मालिक साहब ने CPAC का जिक्र किया। डॉक्टर मालिक साहब ने कहा कि हमने समझा कि CPAC अवाम का फायदा में होता, और इस वक्त ऐसे नहीं हो रहा है।
हम भी चाहते थे कि सीपैक आपका फायदा के लिए हो, हम भी चाहते थे कि पाकिस्तान का पसमांदा इलाके को सबसे पहला हक सीपैक पे मिले, हम भी चाहते हैं कि चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, फाटा हो, आपका रट्टो देरो हो या गवादर हो, यहां के अवाम को सीपैक का फायदा मिले। हम आज भी चाहते हैं कि सीपैक कामयाब हो, लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अवामी सीपैक कामयाब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो सीपैक कामयाब हो सकता है जो मुकामी लोगों को फायदा देता है। हमें वो सीपैक नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ पापा जॉन्स वालों को फायदा दे, हमें पापा जॉन्स वाला का सीपैक नहीं चाहिए, हमें वो सीपैक चाहिए जिसकी बुनियाद सदर जरदारी ने रखा था, हमें वो सीपैक चाहिए जिस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की थी, हमें वो सीपैक चाहिए जो मुकामी अवाम को रोजगार दो, मुकामी अवाम को फायदा दो, ना के किसी और कुवत को फायदा दो। उसी सीपैक का गवादर, उसी गवादर की वजह से, गवादर की आवाम की वजह से हमारे पास ये सीपैक है। पंजाब की वजह से नहीं, सिंध की वजह से नहीं, अगर पाकिस्तान में सीपैक चल रहा है तो वो मेरा गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की वजह से है, वो मेरे गवादर के आवाम के अपनी सरजमीन की वजह से है। उन्हीं की वजह से हमें ये सीपैक के तोहफा मिला, मगर हम इन्हीं अवाम को इस सीपैक से दूर रख रहे हैं, यहां तक के पूरा का पूरा गवादर को फेंस किया जा रहा है, पूरा गवादर को मुकामी वहां के लोगों के लिए, वहां के माहीगीरों के पहुंच के बाहर रखा जा रहा है। इस किस्म का सीपैक नहीं चल सकता, सिर्फ और सिर्फ आपका सीपैक, अवामी सीपैक चल सकता है। साथियों, आपको मालूम है कि बीबी शहीद ने भुट्टो शहीद के शहादत के बाद मुल्क में जमहूरियत और 1973 के आईन की बहाली के लिए एमआरडी के नाम से एक इत्तेहाद बनाया था, और आमिर जिया के खिलाफ एक अवामी तहरीक की क्यादत की थी। उसके बाद जनरल जिया ने इक्तदार पर कब्जा किया तो तमाम जमहूरी कुवतों से मिलकर एआरडी बनाई थी, और अब हम सब ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को फाल करने के लिए आपने सबसे पहले एपीसी बुलाया था, सारे जमातों को इकट्ठा किया था, हमने सब मिल बैठ के कंसेंसस के साथ एक प्लान भी बनाया था। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे सबसे मुकद्दस और अहम दिन, चाहे वो हमारे योम तासीस हो, चाहे वो हमारे जियालों के लिए जो कारसास का वाकया, मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया का दिन हो, या आज सारे जियालों के सबसे तकलीफ देह दिन हो, 27 दिसंबर हो, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने बुनियादों से पीडीएम के साथ हमने अपने ताल्लुकात समेट दिया है, हम एक हो गए हैं, हम एक पेज पे भी है, एक स्टेज पे भी है, और इंशाल्लाह ताला आपकी मदद से, आपकी ताकत से हम इन कठपुतलियों को भगाएंगे, जरूर भगाएंगे। हम
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस ना अहल ना जायज ना लेख हुकूमत का खात्मा करने और मुल्क में असल जमहूरियत ले आने आईन का पासदारी के लिए हम सब मैदान में उतरे हैं। हमने फैसला किया कि अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, भरपूर तहरीक चलाएंगे। शहीद बीबी के जियालो, भुट्टो शहीद के जाने वालों, क्या आप लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो? क्या आप लड़ने के लिए तैयार हो? क्या आप इनके लाठियां खाने के लिए तैयार हो? आंसू गैस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो? इनके जेले भरने के लिए तैयार हो? इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली को उस वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो? जमहूरियत बहाल करने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो, अगर आप मेरे साथ हो, तो मैं आपको बता सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकता, कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। जब मैं कॉल देता हूं, जब मैं लॉन्ग मार्च का कॉल देता हूं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शरीक सारे जमातें लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, तो फिर आपको तैयार होना पड़ेगा। वक्त आ गया है, तैयारी कर लो। गरी खुदा बख्श के इस मैदान में वादा करो, इस मजार की तरफ मुंह करके वादा करो। जब मैं लॉन्ग मार्च का कॉल देता हूं, तो आप दमादम मस्कलंदर का नारा लगाकर निकल पड़ेंगे और हम इस कठपुतली को भगाएंगे, इस सिलेक्टेड को भगाएंगे, इस मुल्क को आवाम को इस जालिम ना अहल ना जायज ना लायक सिलेक्टेड के तबाहकारियों से बचाना है। अब तारीकियां छटने वाली है, जुल्म की रात ढलने वाली है, मुजरम हुक्मरानों के एहतसाब का वक्त आ चुका है, आमरों का जबर खत्म होने को है, गम के बादल छटने वाले हैं, खुशहाली का सूरज तलू होने वाला है। करी खुदा बख्श के शहीदों का खून आप रायगा नहीं होने देंगे। बीबी का वादा पूरा करोगे? मैं अपने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथियों का शुक्रगुजार हूं, मरियम शरीफ साहिबा और मुस्लिम लीग नवाज की जो डेलीगेशन है, डॉक्टर मालिक साहब, अख्तर मैंगल साहब, गफूर हैदरी साहब, अमीर होती साहब, नूरानी साहब, साजिद मीर साहब के साथियों को, शेरपाओ को साथियों को, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि हाँ, आप हमारे दुख में यौम शहादत, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के यौम शहादत पे आप यहाँ
گری خدا بخش میں تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آگے بھریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو عوامی راج دیکھ رہیں گے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں بھٹو شہید اور بی بی شہید کے جیالوں کو، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم آپ کی محبتوں، ہم آپ کے محبتوں کے قرض دار ہیں۔ آپ نے شہید، آپ سب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وارث ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وارث ہیں۔ جس طرح آپ نے اپنی بہن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہا ہے، آج پھر ہمیں کامیاب کرے، سرخرو کرے۔ اے عظیم کبریا، سن غریب کی دعا، سازشوں میں گر گئی بنت عرص ایشیا۔ لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، فیصلے کی منتظر ایک یتیم بے خطا۔ تال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور، واسطہ حسین کا تور ظلم کا غرور، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول، یا